दिस इज़ अंशुमन सर, योर फिजिक्स टीचर, एंड टुडे हियर वी गोइंग टू डिस्कस आवर लेक्चर नंबर 3.16 ऑफ द चैप्टर 3, दैट इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी. डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास वी जस्ट डिस्कस अबाउट द सेल, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड वी जस्ट डिस्कस हाउ वी डिसाइड द साइन ऑफ द EMF एज एंड द साइन ऑफ द रेजिस्टेंस, है ना. तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर हमें EMF को कैलकुलेट करना है तो जिन टर्मिनल्स के बीच में जिधर से जिधर की तरफ कैलकुलेट करना है तो उसमें हम देखते हैं कि कहाँ पर कौन सी प्लेट पहले आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके EMF को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं. उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि जितने भी पैसिव एलिमेंट्स होते हैं लाइक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में जब हम फाइंड करते हैं उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करते हैं, उसके एंड्स के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करते हैं, तो हम उसमें करंट को मेंशन करके देखते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है. अगर हम करंट के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू निकाल रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी. ये हमने जो है पिछली वाली क्लास में डिस्कस किया था. आज हम लोग जो है सेल के कॉम्बिनेशन को डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ द सेल आर कम्बाइंड. सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेल को पैलर कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. तो अगर उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करें तो हम किस तरह से उसके इक्विवेलेंट को फाइंड कर सकते हैं, पैलर में अगर कनेक्ट करें तो किस तरह से उसके इक्विवेलेंट को फाइंड कर सकते हैं, और जब एक से ज़्यादा जो है सेल जो है वो कुछ पैलर में जुड़े हुए हैं और कुछ जो हैं सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन कहते हैं. तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम किस तरह से EMF को फाइंड करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम EMF को कैलकुलेट करते हैं. सो लेट वी सी दैट. फर्स्ट, दैट इज़ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल. सेन हियर वी डिस्कस कि किस तरह से अगर बहुत सारे जो है EMF जो हैं या जो सेल हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा सर्किट ड्रॉ करते हैं. तो देखिए, ये हमने सर्किट बनाया है, इसमें तीन सेल लगे हुए हैं. आप देख रहे हैं पहला सेल जो है उसका EMF E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है. दूसरा सेल जो है उसका EMF E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और तीसरा जो है उसका जो EMF है वो E3 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है. यहाँ पे हम तीन रेजिस्टेंस लेकर के चल रहे हैं. यहाँ पर हमने एंड A इसको मान लिया, इसको एंड B मान लिया, और इसको जो है हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया है जिसको हम कहते हैं लोड रेजिस्टेंस, है ना, इसको हम जोड़ देते हैं. तो अभी जब लोड रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो इन सेल से एनर्जी इस लोड रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी. इसका मतलब कि ये जो सेल होंगे वो डिस्चार्ज होंगे. तो डिस्चार्जिंग के फंक्शन में आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हो, दैट इज़ E माइनस IR इज इक्वल टू V, मतलब V इज इक्वल टू E माइनस IR. ये आपने बढ़ाया, और जब चार्जिंग होता है और डिस्चार्जिंग होता है, इन दोनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, आप ध्यान रखेंगे. जब कोई भी सेल चार्ज होता है उस कंडीशन में उसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है V इज इक्वल टू E प्लस IR, और जब कोई भी सेल डिस्चार्ज होता है तो वहाँ पर उसका फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल टू E माइनस IR. ठीक है, इस चीज़ को आप जानते रहिए. अब ये जो पूरा सर्किट है इसको हमें जो है इसको इक्विवेलेंट बनाना है. किसके इक्विवेलेंट बनाना है, लाइक दैट, इस तरह से हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट बनाना है. मतलब कि हमें इन तीनों को कंबाइन करके एक ऐसा सेल बनाना है जिसका EMF E हो और इंटरनल रेजिस्टेंस R हो और रेजिस्टेंस वैसे ही हो, और क्योंकि करंट इसमें I फ्लो हो रही है तो इस सिचुएशन में भी करंट कितनी फ्लो होनी चाहिए, I फ्लो होनी चाहिए, राइट. तो चलिए देखते हैं. तो सिंपली हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आप ऐड करते हो तो उसके जो पोटेंशियल्स होते हैं, उसके जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, वो आपस में ऐड हो जाते हैं. तो अगर मैं इसका कंबाइन पोटेंशियल लिखना चाहूँ तो मैं V1 लिखूँगा, इसका मैं V2 लिखूँगा, इसका मैं V3 लिखूँगा, और ये टोटल किसके बराबर होगा, इसके क्रॉस जितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा. ठीक है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी. अब हम यहाँ पर EMF का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. पहले के लिए लिख लेते हैं E माइनस IR1, क्योंकि यहाँ पर डिस्चार्जिंग हो रही है इसलिए फॉर्मूला क्या होगा, E माइनस IR. तो यहाँ पर हम अगर हम V1 के लिए लिखें तो हो जाएगा E1 माइनस IR1. इसी तरह से V2 के लिए लिखें E2 माइनस IR2. V3 के लिए लिखें E3 माइनस IR3. और किसके बराबर हो जाएगा, ये इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसके बराबर हो जाएगा. ठीक है,
क्योंकि ये कंबाइन एनर्जी किसको मिल रही है, इस रेजिस्टेंस को मिल रही है, इसका मतलब इसका वोल्टेज इसके वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक और मेथड होता है किरचॉफ्स रूल, जिसको आप आगे पढ़ेंगे, उसकी हेल्प से भी आप ये रिलेशन डिराइव कर सकते हो। तो अब हमने क्या किया, इसको रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज करने का मतलब हमने सभी आई वाले टर्म एक तरफ कर लिए और हमने आई को कॉमन ले लिया और ये वाले टर्म इधर आ जाएंगे, आप रीअरेंज कर सकते हैं। और यहाँ से हमने जो है आई की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हमारे पास आ गया आई इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री अपॉन आर प्लस स्मॉल आर वन स्मॉल आर टू आर थ्री। इक्वेशन नंबर वन हमने इसको मान लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर ये इसके इक्विवेलेंट है तो ये आपके पास है ई आर आर। अब यहाँ से अगर मुझे करंट निकालना, तो मैं जानता हूँ आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करोगे, देखो ये स्मॉल R और ये कैपिटल R, ये दोनों आपस में क्या है, मतलब ये स्मॉल R इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये कैपिटल R क्या है, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, राइट। मतलब कि इन तीनों का कंबाइन जो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो R होगा, कंबाइन EMF जो होगा वो E होगा। तो इस केस में अगर मुझे करंट निकालना हो तो V इज इक्वल टू आई आर यूज़ करूँगा मैं, तो I इज इक्वल टू V का मतलब E हो जाएगा यहाँ पे, और R प्लस R क्योंकि सीरीज में है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने, अब यहाँ पर मैंने E यहाँ पर V की जगह पर E क्यों रख दिया, क्योंकि पोटेंशियल आपको इतना ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर वन है और इक्वेशन नंबर टू है, दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ईएमएफ का फंक्शन क्या होगा। तो हम दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लिया। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाता है ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री और आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके पास बहुत सारे सेल है जो आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो आप उनके ईएमएफ को आसानी से सिंपली ऐड कर लीजिए, उनके रेजिस्टेंस को आसानी से ऐड कर लीजिए। अब इसको मैं अगर जनरल फॉर्म में लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मतलब ईएमएफ का जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा समेशन ऑफ ई आई। समेशन का मतलब होता है वह ऐड करते चले जाओ अकॉर्डिंग टू इट्स साइन। अगर प्लस आता है पहले तो प्लस लिख लोगे, माइनस आता है तो माइनस लिख लोगे, ठीक है। इसी तरीके से R, R तो आसानी से प्लस हो जाएगा, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आप ऐड कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद आप इस फॉर्मूले में रख दो तो आपको करंट पता चल जाएगी, ठीक है। अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से होंगे कि अगर अपोजिट साइन हो तो उस केस में हम कैसे इसको लगा सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक दो न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए आप, ठीक है। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास ये है, देखिए दिस वन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास दो सेल हैं, पहला सेल जो है वो आपका E, उसका EMF E है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। दूसरा सेल जो है उसका EMF जो है 2E है, इसको हमने कन्वीनियंस के लिए 2E रखा है ताकि आप समझ सकें, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। आपको A और B के बीच में आपको इस तरह से इक्विवेलेंट फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है कि आपको इसको एक पर्टिकुलर सेल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करोगे, मतलब ई की वैल्यू निकालनी है और आर की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे आपको ऐड करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इनकी प्लेट्स कैसी हैं, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये पहले, अगर मैं ए से बी की तरफ जाऊँ, ए से बी की तरफ जाऊँ, तो पहली प्लेट पॉजिटिव मिल रही है और दूसरी प्लेट नेगेटिव मिल रही है। तो समेशन का मतलब होता है कि आप साइन के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो अब मुझे जैसे ईएमएफ निकालना है ना, तो पहले का ईएमएफ पॉजिटिव ई हो जाएगा क्योंकि इसका ईएमएफ ई है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस दूसरे का नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि पहले कौन सी प्लेट आ रही है, ए से बी की तरफ जाने पर, क्योंकि हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकालना है। तो ए से बी तक जाने में कौन सी प्लेट पहले आ रही है, नेगेटिव प्लेट आ रही है, इसलिए इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस टू ई, ठीक है। और इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ गया माइनस ई। माइनस ई का मतलब जो इक्विवेलेंट बनेगा उसमें जो 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 प्लेट्स होंगी उसमें नेगेटिव प्लेट पहले होगी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया है, क्योंकि जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो माइनस ई के बराबर है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि ए से बी की तरफ जाने पर पहली प्लेट कौन सी आएगी, माइनस वाली आएगी, तो छोटी वाली प्लेट पहले और बड़ी वाली प्लेट आगे, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर लेते हैं, आर दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है तो ऐड करके टू आर। तो अब जो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट बनेगा वो बन जाएगा इस तरह से, आप कंस्ट्रक्शन करोगे यहाँ पर, आप मान लीजिए अगर इसका इक्विवेलेंट ई डैश है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश है, तो ई डैश किसके बराबर है, माइनस ई के बराबर है, और यहाँ पे आर डैश किसके बराबर है, टू आर के बराबर है, ठीक है। यहाँ माइनस ई का को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि ए से बी तक जाने पर माइनस ई का मतलब क्या होगा कि पहली प्लेट नेगेटिव होगी, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, ठीक है। देखिए
ये आपके पास तीन सेल हैं, यहाँ पर तीन सेल आपस में जुड़ी है, आप कह सकते हैं तीन सेल हैं। पहला सेल जो है उसका EMF 2E है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2R है। दूसरा सेल जो है उसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R बाई 2 है। तीसरा रेजिस्टेंस का EMF 3E है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, मतलब इसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, आप इसमें थोड़ा प्लेट्स का ध्यान रखें। इसमें पहले ए से बी तक अगर हम जाएँ इधर से इधर की तरफ, तो ए से बी की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पहली प्लेट कौन सी है। पहली प्लेट पॉजिटिव है, दूसरे वाली सेल की पहली प्लेट कौन सी नेगेटिव है और तीसरे वाली की क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब जब मैं इक्विवेलेंट निकालूंगा तो मुझे उसके साइन के अकॉर्डिंग रखना है। ए से बी तक जाने में पहली प्लेट कौन सी आ रही है, प्लस आ रही है, तो प्लस 2E लिख लिया। और यहाँ पे इसका EMF E है, पहली प्लेट नेगेटिव है तो माइनस ही लिख लिया। प्लस इसकी पहली प्लेट क्या है पॉजिटिव है तो 3 लिख लिया। तो टोटल ऐड किया तो कितना आ गया, टोटल ऐड करने पे आ गया आपके पास 4E। इसी तरीके से आप जानते हैं रेजिस्टेंस तो सिंपली ऐड हो जाएगा, इसमें साइन का कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो 2R पहले का, दूसरे का R by 2, तीसरे का 0 रख दिया तो 5R by 2। ये देखिए कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसमें इसका जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो प्लस में आ रहा है। इसका मतलब जब आप इक्विवेलेंट बनाओगे तो उसकी पहली प्लेट कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 5R by 2। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बच्चों इसका एक और तरीका होता है सॉल्व करने का, जिसको हम किरचॉफ्स रूल कहते हैं। लेकिन किरचॉफ, अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो आपको किरचॉफ्स रूल अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप आसानी से इसी रूल से आसानी से आप इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो बाकी की सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला जो है कॉम्बिनेशन, जिसको हम पैलर कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ओके बच्चों, अब हम लोग जो है पैलर कॉम्बिनेशन देखेंगे, पैलर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टोटली मैथमेटिक्स है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप भी साथ साथ में बनाते चलेंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा हम सर्किट ड्रॉ करते हैं जिसमें हमारे पास तीन सेल हैं और तीनों को हमने क्या कर लिया है, पैलर कॉम्बिनेशन में ऐड किया है। पहला जो सेल है उसका EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। दूसरा सेल जो है वो E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तीसरा सेल जो है वो E3 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है। बच्चों एक चीज़ आप जानते हैं, एक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि पैलर कॉम्बिनेशन में जो है वोल्टेज सेम रहती है और उनका जो करंट होता है वो डिवाइड होता है, मतलब कि तीनों ब्रांचेस से जो करंट आएगी वो अलग अलग आएगी। मान लीजिए ये आपके पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो इस मान लीजिए यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है, तो इस बल्ब को जो एनर्जी मिलेगी उन तीनों सेल के कंबाइंड करंट से मिलेगी। बात समझ में आ रही है, इधर से जो एनर्जी आ रही है, इधर से जो करंट आ रही है, इधर से जो मतलब I1 करंट, I2 करंट, I3, ये तीनों मिलकर के कितनी करंट बना रही है, I करंट बना रही है, और जो कि लोड को मिलेगा। लोड का मतलब कोई भी बल्ब, कोई भी जो है एक्सटर्नल सोर्स जो आपने लगा रखा है, मतलब एक्सटर्नल लोड जो आपने लगा रखा है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है कुछ इस तरह से, मतलब कि इन तीनों को मिलाकर के हमें एक EMF में कन्वर्ट करना है, तीनों को इंटरनल रेजिस्टेंस को एक बना करके लिखना है, और फ्लो होने वाली करंट सेम हो, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो। तो वही सिंपल है, अगर मैं सिंपल फार्मूला लिखूं तो I = E/R + R। ये आप जानते हैं क्योंकि ये स्मॉल r और कैपिटल R सीरीज में है, तो दोनों ऐड होकर के R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, स्मॉल r प्लस R। अब यहाँ पे ओम्स लॉ से हम लिख सकते हैं I = E/R + R, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए इसको। ठीक है, या इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अभी हम इसको कंपेयर करेंगे, इसका यूज़ करते हैं। तो बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, कि जब भी हम पैलर कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो तीनों में वोल्टेज सेम रहता है, मतलब कि यहाँ पर वी और यहाँ पे वी और यहाँ पे वी, तीनों में वी क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ से समझ में आती है कि जो टोटल करंट होगी वो तीनों बैटरीज से या तीनों सेल से आने वाली करंट का सम होगी, I1 + I2 + I3। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर जानते हैं कि वोल्टेज तीनों में सेम होता है, तो मतलब V1 = V2 = V3। तो सिंपली क्योंकि यहाँ पर डिस्चार्जिंग हो रहा है इसलिए हम E - I लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको बराबर करके लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए, इसको मैंने लिख लिया E1 - IR1, E2 = E2 - IR2 = E3 - IR2, और किसके बराबर होगा, इसके अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज का ड्रॉप होगा। ठीक है, तो इन तीनों का जो वोल्टेज होगा इस टोटल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए I1, I2, I3 की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है, I1 = आ जाएगा
E1 माइनस IR R1, मतलब कि एक बार मैंने इसको इसको ले लिया, फिर इसको इसको ले लिया, फिर इसको ले लिया, और तीनों से हमने I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड कर ली। तो जब मैंने I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड करी तो मेरे पास क्या आ गया, I1 इज इक्वल टू आ गया E1 माइनस IR अपॉन R1। यहाँ पे ध्यान रखेंगे I का, जहाँ पे I टोटल करंट है, I2 इज इक्वल टू E2 माइनस IR अपॉन R2। इसी तरीके से मैं E3 की वैल्यू अगर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं E3 माइनस IR अपॉन R3। ठीक है, आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इन तीनों की वैल्यू हमने यहां पे रख दी, और रख करके हमने क्या किया, हमने जो है E1, आप देखिए यहां पर आप देखिए इक्वेशन नंबर वन में रखा हमने, तो देखिए इस तरह की कुछ वैल्यू आ जाएगी। तीनों की वैल्यू हमने पुट कर दी, इसमें क्या करते हैं, ये देखिए डिनोमिनेटर में R1 है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के बाद E1 अपॉन R1 और E2 अपॉन R2 और E3, मतलब E वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस E वाला टर्म एक तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसमें I कॉमन है तो इस I को हम इधर लेके जाते हैं, ठीक है, और I को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से हमने I को कॉमन ले लिया और यहाँ से ये वाली वैल्यू बची। ठीक है, अब यहाँ से हमें I निकालना तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाएगी I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन R1 R अपॉन R2 R अपॉन R3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पूरा इक्वेशन आपने अभी ये निकाला है, इसको हम 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब ऊपर नीचे दोनों में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सिंपल हो जाए। तो देखिए हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखिए हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और नीचे क्या बचेगा, नीचे ये जब आप इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ पर देखो ये R को कॉमन लिया, डिवाइड किया थी तो कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस, देखो ये नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन ये 1 अपॉन में। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको सिंपल थोड़ा सा कर लेते हैं, और इसको हम जो ये हमारे पास इक्वेशन था I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, I इज इक्वल टू ई प्लस आर अपॉन आर, इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास कुछ रिलेशंस निकल के आते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए ये है I इज इक्वल टू E अपॉन R1, तो E की जगह पे क्या है, ये पूरा टर्म है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, और यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये तो E की वैल्यू होगी, यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ पे इक्वेशन में 1 अपॉन होगा। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन, क्योंकि डिवाइड कर रहे हो ना, इसके 1 के नीचे आएगा। यहाँ से मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसके नीचे भी डिवाइड करोगे, इसके नीचे भी, तो यहाँ पे जो बचेगा वो होगा 1 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये थोड़ा सही कर लेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस, क्योंकि आपने डिवाइड किया था, अब आपने ये ऊपर जाएगा, आप समझ रहे हैं, आप इसको जब 1 अपॉन R इक्विवेलेंट लिखोगे तो आपके पास देखिए पैलर कॉम्बिनेशन वाला फंक्शन आ जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो अब ये आपके पास आ गया EMF का फंक्शन, ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। आप दोनों अलग अलग कैलकुलेट करिए और वैल्यूज़ को रख दीजिए फॉर्मूले में, और आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं जो है सिंपल फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ EIRI अपॉन समेशन ऑफ 1 अपॉन RI। ठीक है, इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसी तरीके से इसको जनरल फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1 अपॉन RI। ठीक है, तो ये दोनों जनरल फॉर्म अगर आप याद रखते हैं तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिससे कि और क्लियरिटी आपके माइंड में आएगी। चलिए अब यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल करेंगे और एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। देखिए ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें ये पैलर कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। पहला जो EMF है उसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। दूसरा जो सेल है
उसके अपोजिट टर्मिनल से आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2e है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो r है, और उसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ा है। कन्वीनियंस के लिए इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम 2r मान लेते हैं। अब इसे हमें कन्वर्ट कुछ इस सिंपल में तरीके से करना है कि मतलब एक सेल हमारे पास हो और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस हो और उसका एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो, और जितनी करंट पहले फ्लो हो रही थी उतनी हो। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। देखिए सिंपल फार्मूला हमारे पास है इक्विवेलेंट, क्योंकि दो के लिए है तो दो के लिए फार्मूला हम नोट करेंगे। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस R2। अब हमारे पास दोनों फार्मूले हैं, यहाँ पे रखते हैं साइन का ध्यान रखते हुए, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा देखिए EMF इसका E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है, तो E अपॉन R प्लस। अब दूसरे वाले सेल का देखिए, पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है, नेगेटिव, तो इसको मैं लिखूंगा -2E, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R है, और नीचे 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, ये रेजिस्टेंस का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको जब सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास -E/R/2R, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है E equivalent = -E/2। मतलब जब भी इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो पहले कौन सी प्लेट आएगी, नेगेटिव वाली आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है। अब सिंपली हम इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं 1 अपॉन R equivalent, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दैट इज़ 2/R, कितना हो जाएगा, 2/R हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस जब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो रेसिप्रोकल होगा, तो R/2 हो जाएगा बस। अब आपको क्या करना है, करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए क्या करोगे, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है एक्सटर्नल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस जो आपने R इक्विवेलेंट निकाला, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम रख देते हैं, तो E की जगह पे E/2 रख लेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जगह पे 2R रख लेंगे, इंटरनल की जगह पे R/2 रख लेंगे, और इसको लेकर के सॉल्व कर लेंगे, तुम्हारे पास आ जाएगा E/5R। तो इस तरह से ही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अगला जो हमारा है वो मिक्स कॉम्बिनेशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए बहुत केयरफुली इसको पढ़िए और जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उसको आप नोट करते चलिए। अब हम लोग मिक्स कॉम्बिनेशन देखेंगे। ये मिक्स कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, लेकिन इसको आप ध्यान से समझिए, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। सो लेट वी डिस्कस द मिक्स कॉम्बिनेशन। मतलब कि मिक्स कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे सेल होंगे जो पैलर में लगे हुए होंगे और कुछ ऐसे सेल होंगे जो सीरीज में लगे हुए होंगे, ठीक है। तो एक जनरल फार्मूला डराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सभी सेल्स को क्या मान लेते हैं, आइडेंटिकल मान लेते हैं। आइडेंटिकल सेल का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिकल सेल का मतलब हुआ कि ऐसे सेल जिनका EMF क्या हो, सेम हो, और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हो। मतलब सबका EMF हम E मान लेते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, बाद में इसको हम जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। तो कन्वीनियंस के लिए, ताकि आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकें, इसलिए हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये हमारे पास एक सर्किट है, इसमें ये ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसको हम कैसे समझें। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि n आइडेंटिकल सेल जो हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और m रोज हैं इसमें, ठीक है, इस तरह से आप समझिए, इस तरह से जो है m तरीके से जुड़े हुए हैं। तो n सेल इस तरह से जुड़े हुए हैं और m सेल्स ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये अलग अलग हैं। मान लेते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ़ सेल्स कितनी है, n है, और टोटल नंबर ऑफ़ रोज कितने हैं, m है, तो टोटल नंबर ऑफ़ सेल्स कितने हो जाएंगे, n क्रॉस m, तो ये टोटल नंबर ऑफ़ सेल हो गए। हमने मान लिया कि जितने सेल लगे हुए सबका EMF E है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं सीरीज किसी एक रो की बात करूँ, है ना, किसी एक रो की बात करूँ मैं, तो जो रो सीरीज में है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इसकी बात करूँ मैं अगर, ठीक है, देखिए रो ऐसे होता है और कॉलम ऐसे होता है, ठीक है, इस चीज़ को आप जानते रहिए। तो अगर मैं एक की सीरीज की बात करूँ, तो क्योंकि सीरीज में लगा हुआ तो सबको आपस में आप इसी तरह से ऐड कर लोगे, है ना, क्योंकि आप जानते हो सीरीज कॉम्बिनेशन में E1 प्लस E2 प्लस E3 होता है। तो अगर ये n टाइम तक है तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, n इंटू E होगा। इस तरीके से जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, n इंटू R होगा, ठीक है। अब अगर मैं पैलर कॉम्बिनेशन, मतलब इतने जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं वो पैलर कॉम्बिनेशन में इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, दैट इज़ E equivalent is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2 and so on, और ये आपका 1 upon R1 plus 1 upon R2 इस तरह से, ये आपको पता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो E1 है, E1 का मतलब इस तरह से समझिए कि ये E1 हो गया मान लीजिए, दूसरे का क्या हो गया, E2 हो गया, इसी तरीके से ये जो होगा वो E3 होगा, E4 होगा। तो अब अगर मैं इसमें पैलर कम्बिनेशन वाला फार्मूला यूज़ करूँ, अगर मैं यहाँ पर पैलर कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करूँ, तो मेरा क्या बन जाता है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा, देखो
ई वन की जगह पे क्या लिखूंगा, एन आर, एन इंटू ई, और अपॉन आर वन की जगह पे एन आर। इसी तरीके से ई टू की जगह पे, क्योंकि सभी आइडेंटिकल है तो सबका सेम ही होगा, ठीक है, तो एन ई अपॉन आर वन। इस तरह से कितने टर्म तक जाएगा ये, एम टर्म तक। ऐसे कैसे जाएगा, एम टर्म तक, तो एम टर्म तक हमने इसको लिख लिया। और नीचे फिर ये रेजिस्टेंस का होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो वन अपॉन एन आर प्लस वन अपॉन एन आर, क्योंकि सबकी आर वन आर टू आर थ्री की वैल्यू सबकी क्या है, आर। और कितना तक जाएगा, एम टर्म तक जाएगा, ठीक है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं अगर इसको सिंपली लिखना चाहूँ तो सिंपली इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि अगर ये एन ई अपॉन एन आर एम टर्म तक जुड़ा हुआ है तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एम इंटू एन ई अपॉन एन आर, और नीचे क्या हो जाएगा, एम इंटू वन अपॉन एन ई। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन ई, क्योंकि एन आर से एन आर कैंसिल हो जाएगा तो एन ई आ जाएगा। मतलब कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसमें कितनी बार जोड़ा जा रहा है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 वोल्ट के ईएमएफ के 5 सेल आपस में जुड़े हुए हैं तो उसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5 × 5, तो कितना, 25, ठीक है। तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब अगर मैं आर इक्विवेलेंट की बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 upon r equivalent is equal to 1 upon nr plus 1 upon nr एंड सो ऑन m टर्म तक। अब यहाँ पे जब इसको इसका टोटल निकालते हो आप तो 1 upon nr multiplied by m, तो ये m upon nr हो जाता है, और यहाँ से इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, nr upon m। अब आपके पास emf है, आपके पास इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है, आप i इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट में रख करके आप करंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आया है, ये हमें क्या बताता है कि इफ़ ऑल द सेल ऑफ द आइडेंटिकल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस देन इक्विवेलेंट ईएमएफ इज दिस। मतलब कि उसका ईएमएफ चेंज नहीं होगा अगर बहुत सारे सेल जो हैं वो आपस में पैरेलल कम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो हमें आप जानते हो कि वोल्टेज उसका चेंज नहीं होगा, सभी पैलर कम्बिनेशन में वोल्टेज सेम ही होता है, ठीक है। तो वही सेम कंडीशन है कि सबका ई एम एफ एक जैसा होगा, ठीक है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं और इस तरह से आपका ये लेक्चर ओवर हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए हमारे पास एक पहला न्यूमेरिकल है, इसमें एक 10 वोल्ट का आपके पास ई एम एफ है और इसको 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके बाद ये दो जो है वो पैलर में जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसका जो है 5 ओम है, तो यहाँ पे हमें क्या बतानी है, यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए इक्विवेलेंट जो है इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है, तो देखिए सिंपली क्या है, सिंपली सबसे पहले हम इस पैलर वाले कम्बिनेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पैलर कम्बिनेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला पता है कि ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है E1 upon R1 plus E2 upon R2, तो बस आप देखिए पहले का ईएमएफ कितना है, 10 है तो प्लस है, ठीक है। दूसरे का देखिए पहले नेगेटिव प्लेट है इसलिए हमने माइनस लिख लिया, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, तो 10 upon 1 plus -5 upon, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस 1 upon R1 plus 1 upon R2। आप जानते हैं पहले कम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला होता है, इसको सॉल्व कर लिए तो 5/2 वोल्ट आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करूँ तो आप जानते हो 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, सॉल्व कर लिया 2 आ गया, और इसका इक्विवेलेंट निकाला तो 1 upon 2। तो इस तरह से आप इसको जब हम थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सर्किट बन के आती है वो कुछ इस तरह से बन के आ जाती है। देखिए पहले कितना था, 10 तो रहेगा ही ये, और उसके बाद इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया। अब इन दोनों को लेकर के आप सॉल्व कर लीजिए सीरीज कम्बिनेशन में, आप जानते हो तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 10 plus 2.5, क्योंकि यहाँ से हम सॉल्व करते हैं 5.5 वोल्ट आ गया। इसी तरीके से आर इक्विवेलेंट फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट है तो आप यहाँ से करंट फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ से आपने रख दिया I = E/R + R, और यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है, 5 एम्पियर आ जाता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, इस पे बस थोड़ी सी समझने की बात है। मिक्स कम्बिनेशन में थोड़ा सा वो रो और कॉलम वाला समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। और बाकी सारे क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से सर्किट लगी हुई है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ये 7 वोल्ट, अब इसको इस तरह से भी बना के दिया जा सकता है, 7 वोल्ट 2 ओम, तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस शो नहीं किया है लेकिन यहाँ पर 2 ओम दिया है, इसका मतलब इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, राइट। तो 7 वोल्ट 2 ओम, यहाँ पे 3 वोल्ट 2 ओम, और यहाँ पर 3 वोल्ट 3 ओम, और यहाँ पर 1 वोल्ट 1 ओम, तो और बीच में देखिए एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आपको इसमें करंट बतानी है। तो सबसे पहले देखिए हम इधर वाली ब्रांच को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर इधर वाली ब्रांच को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाली ब्रांच सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये दूसरा हम ब्रांच सॉल्व कर लेते हैं, दोनों सीरीज में हैं, ये भी दोनों सीरीज में हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन दोनों को, ये दोनों आपस में सीरीज में हैं,
तो इसको हम ईएमएफ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले इसका प्लेट कौन सा नेगेटिव पड़ रहा है, तो नेगेटिव माइनस सेवन प्लस, और यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे थ्री है तो पहले प्लेट पॉजिटिव तो प्लस थ्री, तो कितना आ गया माइनस फोर। अब इसका आर वन निकाला, आर इक्विवेलेंट निकाला, तो यहाँ पे इसका टू है और यहाँ पे टू है, कितना आ गया फोर आ गया, तो ये दोनों सॉल्व हो गए। सिंपली इसी तरीके से हम इधर वाले सर्किट को भी क्या कर लेंगे, इधर वाले सीरीज कॉम्बिनेशन को भी क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले कौन सी प्लेट है नेगेटिव, तो माइनस वन लिख लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे पहली प्लेट कौन सी, ये भी नेगेटिव है तो माइनस थ्री लिख लिया, ऐड कर लिया माइनस फोर आ गया। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसका कितना है, इसका वन है और इसका कितना है थ्री है, तो कितना आ गया फोर ओम आ गया। तो अब इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया और ये भी सॉल्व हो गया, तो सर्किट हमारी जो है कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है, जो अभी आपने निकाला। अब जब इस तरह से बन गई तो हमें क्या करना है, इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए अभी ये पैलर में है, तो पैलर में ऐड करने के लिए आप क्या करते हो, ये फॉर्मूला यूज़ करते हो, है ना, ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू अपॉन वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन, ये फॉर्मूला रख करके पैलर में आपने फोर वोल्ट सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से आपने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो अब ये वैल्यू आ गई, अब आपके पास ई इक्विवेलेंट आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब देखिए ये सर्किट ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब कि जब आप इसको ऐसे सॉल्व करते हो तो ये सर्किट में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। अब ये वैल्यू आपको पता है, ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट पता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको पता है, आपने फॉर्मूले में रख दिया, फॉर्मूले में रख करके ये वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उसे सॉल्व करिए, डिस्कस करिए, नहीं आता है तो आप पूछिए, ठीक है, और नोट्स प्रॉपर वे में बनाते चलिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेल और ईएमएफ का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आप इससे रिलेटेड जो केमिस्ट्री का टॉपिक है सेल, उसमें आप एवलांचले सेल, डेनियल सेल, इन सब सेल्स के बारे में थोड़ी जानकारी आप रखेंगे, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जो वाइवा होता है, उस सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। और अगला जो टॉपिक होगा हमारा किरचॉफ्स रूल होगा, ये टॉपिक हमारा ओवर होता है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।